और चलिए अब बात ईरान और इसराइल की जंग की कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ईरान और इसराइल की जंग धर्म युद्ध में बदलने वाली है? क्या एक बार फिर इस्लामिक देश इसराइल के खिलाफ एकजुट होने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ महीने पहले तक ईरान में आतंकियों से हमले करवाने वाला पाकिस्तान अब ईरान के स्वागत में रेड कार्पेट बिछा रहा है, और पाकिस्तान पर मिसाइल बरसाने वाला ईरान अब पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहा है। आखिर दो दुश्मन दोस्त कैसे बन गए? उसकी वजह है कि एक यहूदी देश इसराइल दोनों ही अपने टारगेट पर लेकर चल रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या पश्चिमी एशिया में धर्म युद्ध का सायरन बज चुका है? क्या इसराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर रहा है ईरान? इसराइलियों, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब फाइनल मूवमेंट आ गई है। नेतन्याहू, याद रखना, हमारे लिए बेशक अल्लाह काफी है लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्ला ही काफी है। क्या यहूदी देश के खिलाफ दो दुश्मन देश दोस्त बन चुके हैं? कुछ महीने पहले तक ईरान के बॉर्डर पर जंग के हालात थे। पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो चुके थे कि ईरान ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला किया, लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदल गए और ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का इस्लामाबाद में शानदार स्वागत हो रहा है। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अपने दुश्मन देश के राष्ट्रपति के स्वागत में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। मा रोशन दिले माशाद, चश्मे मा रोशन दिले माशाद, खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे का मुख्य एजेंडा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारना है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए हैं। पाकिस्तान अब ईरान के दम पर अपनी कंगाली को मिटाने के साथ इसराइल को सबक सिखाने का सपना देख रहा है। इसराइलियों, तुम्हारे पास पूरा वक्त है, जो भाग सकता है इसराइल छोड़ के भाग जाए। अब फाइनल मूवमेंट आ गई है। इंशाल्लाह 1446 हिजरी का चांद जो है वो बैतुल मुकद्दस की आजादी के साथ तुलू होगा। यहीं पे नमाज शुक्राना अदा की जाएगी, इस्लाम का परचम यहां नस्ब किया जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। और नेतन्याहू, याद रखना, हमारे लिए बेशक अल्लाह काफी है लेकिन तुम्हारे लिए हिजबुल्ला ही काफी है। मैंने आपको यह पहले बताया था, हम जाएंगे अंदर और जाएंगे भी गोलान हाइट से। गोलान हाइट फतह के करीब है। इसराइल को बहुत बड़ी शिकस्त होने जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान पर बेतहाशा कर्ज है और हथियारों के लिए उसे अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अभी तक बड़ा कर्ज नहीं दिया है और पाबंदी लगाने की धमकी दे रहा है। इसलिए पाकिस्तान ने अपनी भुखमरी, कंगाली और कर्ज मिटाने के लिए ईरान का शॉर्टकट लिया, क्योंकि ईरान से हाथ मिलाने का मतलब रूस से भी समर्थन मिलना। यही वजह है कि अमेरिका की धमकी के बाद भी पाकिस्तान ने ईरान का वेलकम करने की हिम्मत दिखाई है। सवाल ये कि अमेरिकन इस विजिट को कैसे देखेंगे, और ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमिक रिवाइवल में लगे हुए हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल के सिलसिले में ईरानियन सदर के आने से और आ क्यों रहे हैं, पर्पज़ ऑफ हिज विजिट ज़ाहिर है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है इस सिचुएशन में। एक ऐसी सिचुएशन में जब ईरान पे अमेरिकन प्रेशर भी है, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट भी है। आपको क्या लगता है, क्या ईरानी सदर का ना अमेरिका को नाराज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जनवरी में बलूचिस्तान के ईरानी सीमा वाले क्षेत्र में दोनों ओर से मिसाइल हमलों ने आपसी तनाव को बढ़ा दिया था, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं उसके बाद पाकिस्तान के हौसले भी बढ़ गए हैं और वो ईरान के कंधे पर सवार होकर इस्लामिक देशों का खलीफा बनने का ख्वाब देख रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।